मैं में दो तीन माइक, मिनट वेट करते हैं। जी मैं सर, माइक, मैम वो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन, ताकि जिन्होंने ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लें। ओके फाइन, यस मैम, मैं चलो अगर कर चुकी हूँ फिर मैं, मैं फिर कर लेता हूँ सेशन शुरू, अगर लाइव कर दिया आपने। ओके मैं मैम आयशा दिलीप को होस्ट बना देती हूँ, ताकि अगर कोई इशू हो तो मैनेज हो सके। जी ठीक है मैम। मैम, श्योर। मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.6। स्क्रीन हाँ जी सर। विजिबल है आपको? मेरे ख्याल से स्टॉप नो हो गया सर, स्क्रीन शेयर। जी सर, स्टॉप हो गया। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट, स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। अच्छा मैं वापस होस्ट बन गया, फिर से करता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके अब हो रही है आपको स्क्रीन शेयर? जी सर, अभी हो रही है। जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1.6, स्ट्रिंग कंप्रेशन। तो इसमें एसेंशियली ये है, हमने एक मेथड बनाना है जिसने बेसिक स्ट्रिंग कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब है छोटा करना। तो इसमें एसेंशियली जैसे ये स्ट्रिंग है हमारा, इसकी हम एक मोर कंसाइज फॉर्म क्या होगी, उसमें हम ये करेंगे कि जो कैरेक्टर है उसकी काउंट उसके साथ अपेंड कर देंगे। ए के 2 कैरेक्टर्स हैं, A2 बन जाएगा, B1 है, इसी तरह C है 1, 2, 3, 4, 5, C5 बन जाएगा, एंड देन A3। फिर इसमें एक तो हमने करना है कंप्रेस, जैसे इस स्ट्रिंग को हमने कर दिया कंप्रेस A2, B1, C5 एंड A3। तो अगर कंप्रेस स्ट्रिंग स्मॉलर नहीं है, जैसे इस केस में तो स्मॉलर है कंप्रेस स्ट्रिंग, उसकी जो लेंथ है हम देखें तो इससे तो छोटी है, तो हमने कंप्रेस स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो अगर कंप्रेस स्ट्रिंग जो है, जो हमने छोटा किया स्ट्रिंग जिसमें काउंट्स कैरेक्टर्स के साथ, अगर वो छोटा नहीं होता ओरिजिनल स्ट्रिंग के, तो फिर इफ द कंप्रेस स्ट्रिंग वुड नॉट बिकम स्मॉलर देन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो फिर आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो एसेंशियली ये हमें कंप्रेस स्ट्रिंग बनाने के बाद एक कंपैरिजन करना है कि अगर वो छोटा है ओरिजिनल स्ट्रिंग से, तो फिर कंप्रेस स्ट्रिंग जो हमने खुद बनाया है वो रिटर्न कर दें, नहीं तो ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कर दें। और इसमें से सिंपलिसिटी के लिए एक बताती है हमें कि यू कैन अज्यूम द स्ट्रिंग हैज ओनली अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स, मतलब कोई नंबर्स वगैरह नहीं आएंगे इसमें इनपुट में, मतलब अपर केस और लोअर केस लेटर्स ही होंगे इसमें। तो ये था क्वेश्चन, अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। यस सर, क्लियर है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो एसेंशियली इन्होंने यही कहा है कि इम्प्लीमेंटिंग दिस मेथड सीम्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हम स्ट्रिंग से इटरेट करेंगे, नए स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कॉपी करेंगे, और हम हर उसमें चेक करेंगे कि अगले उससे सेम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, पहली इस इटरेशन में हम ये कॉपी करेंगे कि ये इससे सेम है, अगर सेम है तो काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर नए स्ट्रिंग में कॉपी कर देंगे A2। फिर इसी तरह B पे आएंगे, चाहिए अगले वाले से सेम है नहीं है तो हम फिर B1 डाल देंगे, और फिर इसी तरह C को हम कंपेयर करेंगे C5 और A3। तो ये रिलेटिवली सिंपल है, इसको मैं फिर आगे जब कोड की तरफ जाते हैं हम तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंप्रेस है फंक्शन का नाम, उसमें इनपुट आती है स्ट्रिंग, हमने एक नया स्ट्रिंग बनाया, हमने जो रिटर्न करना है वो नया स्ट्रिंग है, इन प्लेस नहीं करना होगा ऑपरेशन हमने। तो हमने काउंट कंजेक्यूटिव शुरू में 0 सेट की हुई है, तो जो ही वो इटरेट करता है सबसे पहले काउंट कंजेक्यूटिव 1++ कर देते हैं। वो इसलिए कम से कम जो काउंट होगी वो 1 तो होगी ना, जिस तरह इसमें बी सिर्फ 1 है तो मतलब B1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए हम लूप में जाने से पहले ही, मतलब लूप में सबसे पहली स्टेटमेंट ये होगी काउंट कंसेक्यूटिव प्लस प्लस। तो अगर अगला कैरेक्टर डिफरेंट है देन द करंट, तो फिर हम ये कैरेक्टर रिजल्ट में डाल देते हैं। ये वो है, ये आपको जब मैं एनोटेट करूंगा ना आखिर तब समझ आएगी, ये उसके लिए कि हम आउट ऑफ बाउंड्स ना हो, कि जैसे हम यहाँ अगर खड़े हुए तो उससे आगे तो कोई है ही नहीं कैरेक्टर जिससे हम कंपेयर कर सकें। तो इफ i+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, वो इस केस पे ब्रेक करेगा, और स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट i, मतलब i-th 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट डिफरेंट है, तो फिर हम काउंट कंजेक्टिव 0 कर देंगे। ये मैं जरा एनोटेट करता हूँ फिर क्लियर होगा। सर, इसमें क्या, हाँ क्या
सर ये सेकंड लाइन में हमने क्या किया कि एक यानी कि नई स्ट्रिंग क्रिएट की है। जी, नई स्ट्रिंग क्रिएट की है क्योंकि हमें ऑपरेशन इन प्लेस नहीं कर रहे, एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे हम, जिस तरह की एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे ना हमने, फिर रिटर्न करेंगे। जी सर। तो शुरू में काउंट कंसेक्यूटिव है हमारा 0, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ पे इटरेट करेंगे, काउंट कंसेक्यूटिव प्लस प्लस, तो भी हमारा काउंट कंसेक्यूटिव, मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किने के सी लिए दिया सी, था एक जुदा। ये हमारा 1 हो गया। इफ नेक्स्ट कैरेक्टर इज डिफरेंट देन द करंट, मतलब ये हमने तब तक इटरेट करते रहना जब तक हमें कोई अगला कैरेक्टर डिफरेंट नजर आता था, फिर हमने अपेंड करते रहना। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम 0th इंडेक्स में हैं, हमने इससे कंपेयर करेंगे, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी क्योंकि ना ये दोनों डिफरेंट हैं और ना ये वाली कंडीशन चलेगी आउट ऑफ बाउंस वाली। तो इसमें तो होगा, अगर इफ नहीं चलती तो फिर अगली बार फिर से आएगा वो लूप में, पहले 0th इंडेक्स पे था तो उसने सी सी काउंट कंजेकेटिव 1 थी, फिर उसके बाद आ गया वो 1st इंडेक्स पे, सबसे पहले उसने किया काउंट कंजेकेटिव प्लस प्लस तो वो कर दिया 2। अब ये होगी इफ स्टेटमेंट चलेगी, इफ स्टेटमेंट देखा ये वाला ए अगले कैरेक्टर से डिफरेंट है, ये जो और के साथ कंडीशन है, तो कंप्रेस स्ट्रिंग जो हमने नया बनाया है उसमें प्लस हो जाएगा, इसको मैं सी एस कर देता हूँ। प्लस इक्वल का मतलब है कंकैटनेशन, उसमें कंकैटनेट कर देंगे जो स्ट्रिंग अभी है हमारे पास करंटली, करंट इंडेक्स पे ए, साथ में आ जाएगा ए प्लस काउंट कंजेकेटिव, काउंट कंजेकेटिव हमारे पास इस केस में है 2, तो मतलब हमने एक कैरेक्टर के लिए इटरेशन खत्म कर दी, उसके बाद वो काउंट कंजेकेटिव को 0 कर देगा, फिर वापस जाएगा लूप में बी पे जाएगा, फिर काउंट कंजेकेटिव प्लस प्लस, तो हमारे पास का काउंट कंजेकेटिव प्लस प्लस अब वापस 1 हो गई, तो बी पे कंपेयर करेगा क्या बी इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो अगले वाले से डिफरेंट है, इफ इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये डिफरेंट है दोनों, तो फिर से इसको अपेंड कर देगा इधर A2 P1, और फिर इसको वापस काउंट कंजेकेटिव ये सी सी, इसको 0 कर देगा वापस। इसी तरह फिर वो सी पे इटरेट करता रहेगा, C1 2 3 4 5, जब काउंट कंजेकेटिव 5 हो जाएगी हमारी तो फिर वो उसके बाद ही कंडीशन ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, जब कंडीशन ब्रेक होगी, जब ये हम देख रहे हैं इफ कंडीशन जब चलती है ना तो एक कैरेक्टर की इटरेशन खत्म हो जाती है, तो कंडीशन ब्रेक हुई तो वो कैरेक्टर अपेंड कर देगा साथ में उसी काउंट कंजेकेटिव C5, एंड देन इसमें भी यही होगा, ए से चलेगा जब तक ये अगले और ये दोनों सेम है चलता रहेगा, तो एसेंशियली A1 पहले काउंट कंजेकेटिव थी 1, अगली इटरेशन में 2 हो गई, फिर इसमें 3 हो गई। अब यहाँ वो देखेगा यहाँ हमारी आखिरी कंडीशन चलेगी, तो इस साइड पे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो देखिएगा इफ i+1 इज ग्रेटर देन इक्वल स्ट्रिंग लेंथ, तो यहाँ ये आउट ऑफ बाउंस वाली कंडीशन चल जाएगी, तो आगे तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो कर देगा स्ट्रिंग एट कैरेक्टर i a को अपेंड कर दें, और साथ में जो काउंट है हमारे पास, तो काउंट कंजेक्यूटिव हमारे पास इस केस में 3 थी, 1 2 और 3, तो वो इसमें अपेंड कर देगा। इस तरह अगर हम देखें यहाँ तो यही बनता है A2 B1 C5 और A3, तो उसमें एसेंशियली अगर फिर से लॉजिक एक्सप्लेन करूँ तो हम तब तक इटरेट करते हैं एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर पे जब तक अगले वाला डिफरेंट नहीं आता था, ये वाली कंडीशन जो है तो आखिरी कैरेक्टर के लिए चलेगी, लेकिन मेनली यही है इटरेट करें जब तक आपका ये वाला कैरेक्टर और अगला वाला कैरेक्टर सेम है, जूं ही वो करंट कैरेक्टर और उसके राइट पे जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट आ जाते हैं, तो फिर आपने ये कंडीशन चलानी है अपेंड दिस कैरेक्टर, जो पिछला कैरेक्टर था उसको रिजल्ट में डाल देना है साथ में उसकी काउंट स्ट्रिंग एट कैरेक्टर आई और पर काउंट, और आखिर में ये एक शॉर्ट हैंड इफ और एल्स स्टेटमेंट है कि उसमें ये कंडीशन होगी कि जो कंप्रेस स्ट्रिंग हमने बनाया है उसकी लेंथ अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ से कम है तो ट्रू पे ये होता है और फॉल्स पे होता है, अगर ट्रू है ये कंडीशन तो फिर आप कंप्रेस स्ट्रिंग रिटर्न करें, मतलब हमारे जो हमने जो स्ट्रिंग बनाया है उसकी लेंथ ओरिजिनल स्ट्रिंग से कम है तो फिर हमारे वाला स्ट्रिंग रिटर्न कर दें, अगर फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला कर दें चीज रिटर्न, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कर दें, तो ये वाली लॉजिक क्लियर हुई किसी को यहाँ तक? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें या फिर से रिपीट करना।
मजलूमी के आगे सब कुछ समझ, अगर अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आप चार्ट में भी पूछ सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आप माइक अनम्यूट करने में अनकंफर्टेबल है। सर, अगर पॉसिबल हो तो आप लाइन नंबर 8 को एक्सप्लेन कर देंगे। जी, लाइन नंबर 8 में ये हो रहा है कि हमने इसेंशियली अगर इसमें देखें हम ओरिजिनल्स में, तो हम क्या करते हैं, तब तक हमने कंपेयर करना ना हर कैरेक्टर को उसके नेबर से, तब तक कंपैरिजन करना है जब तक वो कैरेक्टर सेम है, मतलब जो ही कैरेक्टर्स डिफरेंट आ जाए, जिस तरह यहाँ और यहाँ डिफरेंट है, तो इसमें ये है कि इस कंडीशन को न्यूट्रली ये चलेगी कि अगर स्ट्रिंग एट कैरेक्टर आई, फॉर एग्जाम्पल मैं इस में इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग एट कैरेक्टर आई प्लस वन, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ आप हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट आ गए, तो फिर हमने अंदर वाला काम करना है कि हमने वो वाला कैरेक्टर अपेंड करना है और साथ में उसकी काउंट जो कि है टू वो अपेंड करनी है। और लाइन नंबर 8 पे दूसरा जो ये हो रहा है ये आखिरी उसके लिए कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरा आई थिंटेस यहाँ पे है, अब इफ आई प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ तो आगे मेरे पास कुछ कंपेयर करने के लिए है, तो ये कंडीशन तो वैसे नहीं चलेगी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि आखिरी इंडेक्स पे राइट पे तो कुछ नहीं हमारे पास इस केस में, तो फिर हमने खत्म करने के लिए लूप हम करेंगे इफ आई प्लस वन, इसका मतलब है कि हमारा आखिरी जो है एलिमेंट वो आ चुके हैं, तो हम वहां तो ऑटोमेटिकली हम रोक सकते हैं, वहां तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो कंडीशन थे एसेंशियली, क्लियर हुआ आपको मैंने? यस सर, थैंक यू। अगर श्योर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, फिर हम आगे थोड़ा मूव करते हैं, या चार्ट में पूछ सकते हैं हम। चलिए मैं ज़ूमिंग के आगे अच्छा इसका रन टाइम देखते हैं हम, अब ये काफी इनएफिशिएंट है, रन टाइम है ओ, तो हमें समझ आ रहा है कि ओरिजिनल वर्स्ट केस में ये जो पूरा स्ट्रिंग है इस पे हम इटरेट कर रहे हैं, तो ये अब केस स्क्वायर क्यों आया, इसमें यह कि हम स्ट्रिंग कंकैटनेशन करते हैं ना, तो यहाँ तो हमें नजर आ रहा है स्ट्रिंग कंकैटनेशन हो जा रहा है, लेकिन वो जो लाइन मल्टीपल स्ट्रिंग सर, आपकी वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन है आती और थी कुछ आप समझ नहीं आ रहा। यूज करते हैं, हमें तो यहाँ नजर आ रहा है कि हमने एक ही स्ट्रिंग है। ओके एक सेकंड, लोकेशन चेंज करके देखता हूँ। वो वैसे जैसे आंटी याद है, उसको तूने उसका मारा और छोड़ अब दिया। क्लियर है वॉइस, ये अभी भी आ रहा है प्रॉब्लम। नो सर, अब बिल्कुल ठीक है। ओके तो एसेंशियली इसमें यह कि हमें तो यहाँ नजर आ रहा है कि एक स्ट्रिंग बनना है, राइट, A2B1C5A3, लेकिन ऑन द बैक एंड सिक्स कैरेक्टर सीक्वेंसेस है ना, तो वो मतलब अलग अलग स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो लैंग्वेज ये कर रही है कि A2 ये अलग कैरेक्टर सीक्वेंस बना रहे, B1 अलग है, मतलब ये एक स्ट्रिंग अपेंड कर रहे, ये छह अलग अलग जगहों पे ऑक्यूपाई कर रही है, मेबी मतलब चार अलग अलग जगहों पे, इन दिस केस C5 और A3, जी वो मेरा मेरे ख्याल से नेट ड्रॉप हो गया, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर अली रजा आप मेरे ख्याल से होस्ट हैं, आप मुझे क्या कहते हैं, को होस्ट बना देंगे काइंडली, मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ। जी जी सर, बिल्कुल। जी
योर स्क्रीन शेयर इज लोडिंग। ओके अब बोलिए स्क्रीन शेयर। तो एसेंशियली जहां था पहले के हमारा क्या था, यहां तो हमें नजर आ रहा है कि एक कैरेक्टर बनाए, मतलब एक स्ट्रिंग बनाए, A2 B1 C5 A3। लेकिन ऑन द बैक इन लैंग्वेज ये कर रही है, मतलब अलग अलग मेमोरी में A2 अलग स्टोर कर रही है, फिर B1 अलग स्टोर कर रही है, C5 अलग स्टोर कर रही है। हर इटरेशन में अलग अलग स्ट्रिंग्स बन रहे हैं, वो और मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वो अलग अलग जगह पर स्टोर हो रहे हैं, और फिर आखिर में इन चारों को अपेंड करके हमारे पास ये आता है। तो इसेंशियली जिस तरह यहाँ है, यहाँ तो हमें आउटपुट नजर आ रहा है कि हम एक ही स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो कर रही है, लैंग्वेज इस केस में जो हमारी एक एग्जाम्पल है, पांच अलग अलग स्ट्रिंग्स डिफाइन करती है हर इटरेशन पे एक स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 4, और आखिर में जो आउटपुट रिटर्न करती है वो ये है स्ट्रिंग 5। तो इसलिए ये इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए OP+K2। पी तो हमें समझ आता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, पी इज द साइज ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसमें तो हमें इटरेट करना पड़ेगा, और K2 इसलिए है नंबर ऑफ कैरेक्टर सीक्वेंसेस, कि जो सीक्वेंसेस हैं वो अलग अलग स्ट्रिंग्स में स्टोर हो गए हैं। इस तरह यहां अगर हम देखें तो यहां 6 बनते हैं, A A2, फिर B1 C2, देन D1 E2, एंड देन A2। तो ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जो है ना, हमें तो नजर नजर नहीं आता इस तरह, लेकिन इम्प्लिसिटली O ऑफ n स्क्वायर में काम करती है, तो ये काफी इनएफिशिएंट है, तो इसलिए हम ये स्ट्रिंग बिल्डर से फिक्स करते हैं। ये क्लियर हुआ किसी को कि ये K2 क्यों, मतलब ये इनएफिशिएंट क्यों है? सर एक बार इसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ी सी ना, ये वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। इसमें हमें तो ये नजर आ रहा है ना कि हमने पूरी जो इनपुट स्ट्रिंग थी उसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और आखिर में हमारे पास एक सेकेंड आखिर में हमारे पास एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। यस हम तो समझ लेंगे ये होगा कि ये इनपुट स्ट्रिंग मिली, सारा हमने अपना कोड चलाया, आउटपुट में ये एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न की, मेमोरी में ये है। लेकिन असल में ये हो रहा है कि जब भी हम लूप में जा रहे हैं तो वो एक स्ट्रिंग में नहीं स्टोर कर रहा, ये जो चीज है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ये एक अलग सेपरेट स्ट्रिंग है, ये सेपरेट स्ट्रिंग है, ये सेपरेट स्ट्रिंग है। ये अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर मेथड जो भी हम नेक्स्ट उसमें यूज करेंगे ना, अगर वो ना कहें तो स्ट्रिंग कंकैटनेशन में O of n स्क्वायर होता है। ये चार अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, इन चारों को जब हम आपस में कंकैटनेट करते हैं तो हमारे पास आता है हमारा पांचवा स्ट्रिंग, जो कि है हमारे ये आउटपुट। तो इसमें इसलिए जो है हमारी कंप्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाती है। अब वो मैं देख देनी, मेरे को पैसे तो ऑडिशन दिखा दिखाती, मेरे तो कागजात इसलिए भेजो नहीं होते डॉक्यूमेंट से। तो इसमें इसलिए फिर कंप्लेक्सिटी हमारी एन स्क्वायर आ जाती है। एक सेकेंड, तो इसमें इस वजह से हमारी कंप्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है, क्योंकि हमें नजर तो इम्प्लिसिटली आ रहा है कि एक स्ट्रिंग इनपुट है, हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके मेमोरी में सिर्फ ये स्पेस होगी स्ट्रिंग आउटपुट की, लेकिन ये इम्प्लिसिटली ये चार भी कहीं कहीं स्टोर होंगे, तो इसलिए ये इनएफिशिएंट है। इसलिए यहाँ उन्होंने लिखा हुआ भी है यस कि यहाँ 6 कैरेक्टर सीक्वेंसेस हैं, तो इसलिए ये स्लो है क्योंकि स्ट्रिंग कंकैटनेशन O of n स्क्वायर टाइम काम करती है। ये अब क्लियर हुआ ये? सर, जो आपने ऊपर बताया ना OP+K2, ये वाली समझ नहीं आ रहा कि के स्क्वायर किसको कह रहे हैं वो, और पी या ये ये वाली भी स्क्वायर समझ नहीं आ रहा। पी तो ये है ना, पी तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, मतलब जैसे ये इनपुट स्ट्रिंग है, इसमें तो हमें पूरे पे क्रिएट करना पड़ेगा। ये हुआ क्लियर? ये एक सेकंड, ये इनपुट स्ट्रिंग है, इसकी पूरी लेंथ में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ये तो हमने करके भी देखा था अभी। ये O of P आ गया। अच्छा यस अब K2 ये है जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जो हमें ये आउटपुट स्ट्रिंग नहीं बनाना, हमने उसके लिए K2 होगा, उसके सर लिए पहले बनेगा A2, A2 पहले बनेगा, वो अलग स्टोर हो गया, स्ट्रिंग नंबर 1 जैसे हो गया A2। फिर अगली बार एक और स्ट्रिंग बनेगा B1, फिर तीसरी दफा बनेगा ये। तो ये चार अलग अलग
यहां जिस तरह ये फोर है, ये फोर इंडिविजुअल पहले कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये फिर ये आपस में यस कंकाटिनेट होंगे और ये एक स्ट्रिंग बनेगा। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी कोस के स्क्वायर, इस तरह यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया है कि इट्स स्लो बिकॉज स्ट्रिंग कंकाटिनेशन टेक्स प्लेस ऑपरेट्स इन ओ एंड स्क्वायर टाइप। तो जो के स्क्वायर स्ट्रिंग कंकाटिनेशन है, जिस तरह यहाँ उन्होंने कहा है कि सिक्स कैरेक्टर सीक्वेंसेस बनेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो पहला कैरेक्टर सीक्वेंस ये होगा डबल ए, फिर बी, देन सी टू, देन टी वन, देन ई टू एंड देन ए टू। तो यहाँ सिक्स कैरेक्टर सीक्वेंसेस हैं, तो वो हर सीक्वेंस के लिए अलग अलग स्ट्रिंग बना रहे हैं और आखिर में उसको कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो इस सब की जो कम्प्लेक्सिटी है ना, वो के ऑफ के स्क्वायर है, वो काफी इनएफिशिएंट है, इसमें के स्क्वायर को इंडिकेट करेगा। ये हुआ क्लियर? ओके थैंक यू सर. यस सर हो गया. ओके और सर मैंने आपसे पूछना था पाइथन में होता है ना कि हमारे पास अगर हम सेपरेट सेपरेट स्ट्रिंग बनाए ना तो उसको अपेंड के जरिए हम ऐड करते हैं. जावा में ये खुद ही हो जाता है, मतलब हमें अपेंड का फंक्शन यूज नहीं करना पड़ता. इसमें अपेंड की जगह हम ये कर रहे हैं ना, प्लस इज इक्वल टू, अपेंड भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम जो नीचे आ रहे हैं ना उसमें हम करेंगे। ये यहाँ हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं प्लस इज इक्वल टू। ओके सर थैंक यू. तो ये जो कम्प्लेक्सिटी है ना एक्चुअली केस सर हुए, ये तो जी, पाइथन में भी ये मीन्स के हम इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बस कॉन्कैट कर सकते हैं. तो इसी को भी हम आगे देखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। तो क्योंकि ये कम्प्लेक्सिटी तो हम नहीं खत्म कर सकते ना, पूरी स्ट्रिंग पे तो हमें इटरेट करना है, लेकिन जो के स्क्वायर वाली कम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्बिनेशंस बन के एक स्ट्रिंग कंकाटिनेट हैं, तो इसको तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसने कहा भाई वी कैन फिक्स दिस बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग बिल्डर। अच्छा सर ये एक सवाल था कि यानी कि ये क्वेश्चंस में स्ट्रिंग के क्वेश्चंस में एस्की वाला बड़ा मींस के सिस्टम होता है कि यानी कि अगर वैल्यू जिस तरह इस एग्जांपल में हमारे पास सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है लोअर केस में, अगर कोई एक भी एलिमेंट क्या ऐसे हो सकता है कि एक भी एलिमेंट अगर अपर केस में हो तो हम उस वाले इसको कैसे टैकल करेंगे. ये क्वेश्चन बहुत इस तरह ना ये कन्फ्यूजन बहुत करता है. ये लीट कोड के क्वेश्चन में भी इस तरह बता रहे होते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स अपर केस होते हैं कुछ लोअर केस में होते हैं, जिस तरह वैलिड पैलिंड्रोम वाली की एग्जांपल थी वो स्ट्रिंग में भी होती है, तो वो मुझे समझ नहीं आई. तो ये मुझे कंसेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कांदी आप थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा. इस क्वेश्चन को पूछना, इस क्वेश्चन में तो हमारे पास सिर्फ अपर केस और लोअर केस लेटर्स है ना, इसमें तो हमें वो सिंपल कंपैरिजन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं, हाँ जी सर इसी क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में तो हमारे पास सिंपल है ना, इस क्वेश्चन में हमने मतलब जिस तरह स्ट्रिंग में हमारे पास सिंबल्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग में हमारे पास और भी नंबर्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इसमें उसने हमें बताया हुआ कि स्ट्रिंग में हम, इसलिए यहाँ उन्होंने कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए हैं कि यहाँ उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग में सिर्फ अपर केस और लोअर केस लेटर्स होंगे। तो यहाँ तो हमारे पास सिंपल होगा, हमारे पास जिसमें ये लोअर केस लेटर्स हैं इनको आपस में कंपेयर करेंगे, या अगर इस तरह होता कि ए ए ये स्मॉल है और फिर होता बी बी, तो इसमें तो सिंपल होता, हम आपस में कंपेयर कर लेते लोअर को इसको लोअर केस से, अपर केस को अपर केस से। इसमें उसने बताया है कि हमारे पास या अपर केस ही होंगे या लोअर केस होंगे, तो और कोई सिंबल्स नहीं होंगे। इस तरह बाकी स्ट्रिंग्स में जिस तरह ये वाला सिंबल आ सकता है, या ये वाला सिंबल आ सकता है, या जिस तरह यूनिकोड अगर स्ट्रिंग हो तो उसमें ये चाइनीज लैंग्वेज के साइड सिंबल्स आ सकते हैं इस तरह। तो इस केस में तो हमें उसने सिर्फ कंस्ट्रेंट्स में कहा है कि अपर केस और लोअर केस लेटर्स है हमारे पास। जी सर क्लियर. जो के स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी है, हम स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड बना के थ्रू खत्म करेंगे। सारी लॉजिक इसमें वही है, मतलब इसमें करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के उसके कंप्रेस बनेंगे। यहां हम ऊपर कर रहे थे एक नॉर्मल स्ट्रिंग बना रहे थे, तो नॉर्मल स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन ओ ऑफ एन स्क्वायर होती है जिस तरह अभी हमने देखा है। तो जावा ने इसी को एड्रेस करने के लिए, जब जिन ऑपरेशन हमने कंकैटिनेशन करनी हो और कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना हो, उसमें हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की जगह इससे बना लेते हैं, इस मेथड के थ्रू। ये स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, उसका मतलब एसेंशियली हमने बनाया स्ट्रिंग का नाम है कंप्रेस्ड, और ये जावा का मतलब सिंटैक्स है कि हमने न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये वो जिस तरह जावा में हर चीज क्लासेस के थ्रू होती है, तो वो उन्होंने न्यू डिक्लेयर किया। बट एसेंशियली इस लाइन में ये हो रहा है कि स्ट्रिंग बिल्डर डेटा टाइप की एक स्ट्रिंग बड़ी कंप्रेस के नाम से, बाकी एसेंशियली
सारे जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग बिल्डेड होगी उस स्ट्रिंग की जगह, और यहाँ जो किया था कि कंकैटिनेशन की जगह यहाँ हम अपेंड यूज करेंगे, वही जो चीजें यहाँ हो रही थी कि पहले, तो इसमें हम यही कर रहे हैं कि अपेंड कर रहे हैं पहले कैरेक्टर फिर काउंट अपेंड कर रहे हैं, जब ये कर दी तो हम वापस 0 पे, इसलिए से एक्चुअली सर की साइड पे आई थिंक नेट का कोई इशू हो गया ना, तो सर अभी हमें ज्वाइन करेंगे। आप जस्ट 1-2 मिनट वेट कीजिए। अगर किसी का कोई स्टूडेंट एज अ वॉलंटियर इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहे तो फील फ्री टू आस्क एंड डू दैट। मेरी साइड पर अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट का फॉर सम रीजन बहुत इशू आ रहा है, इसलिए डिसकनेक्ट हो जा रहा है, मैं फिर से करता हूँ। ओके। तो अच्छा, जहाँ से हम कर स्ट्रिंग डेटा टाइप की जगह स्ट्रिंग बिल्डर डेटा टाइप के बनाया हमने कंप्रेस के नाम से, और इसी में हमने इटरेट किया भाई पहले वाली लॉजिक। इसमें बस ये करेंगे प्लस इक्वल टू की जगह हम कंप्रेस डॉट अपेंड कर देंगे, तो इसमें हम डॉट अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे अपेंड करने के लिए। तो इन दोनों सॉल्यूशंस में ये हो रहा है कि हम कंप्रेस स्ट्रिंग पहले बना रहे हैं और फिर शॉर्टर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग्स बना रिटर्न कर रहे हैं, कि हम देखेंगे जो हमने स्ट्रिंग बनाया है, यहाँ हम देख रहे हैं ये कंडीशन कि अगर हमने जो स्ट्रिंग बनाया है उसकी लेंथ ओरिजिनल स्ट्रिंग से कम है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है शॉर्ट फॉर्म में, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी कंप्रेस्ड स्ट्रिंग रिटर्न कर दो जो हमने बनाई है, नहीं तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर दो। तो इसमें और जो पिछले सोल्यूशन में हमने डिफरेंस है उसे रिटर्न करेगा। यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप थी हमारे पास, यहाँ है स्ट्रिंग बिल्डेड डेटा टाइप, तो यहाँ और इसमें बस हम अपेंड कर रहे हैं, ऊपर वाले में हम प्लस इज इक्वल टू यूज कर रहे थे कंकैटिनेशन के लिए, तो ये जो कम्प्लेक्सिटी के ऑफ स्क्वायर के स्क्वायर ये रिड्यूस हो जाएगी इस केस में जब हम स्ट्रिंग बिल्डर मेथड यूज करेंगे। ये क्लियर हुआ? ये अगर किसी क्वेश्चंस है इसमें तो पूछ लो। या आप चैट में पूछ सकते हैं अगर कुछ क्लियर ना हो, फिर हम अगले सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सर ये स्ट्रिंग चलें बिल्डर यार वाला क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। जी, वो पिछले वाला आपको समझ आ गया था कंकैटिनेशन का जो हाँ जी सर, हाँ जी। यहाँ हो रहा था, तो बस इससे बचने के लिए कि यहाँ वो हो रहा है कि इसको पहले ये स्ट्रिंग अलग बनाएगा फिर B1 की स्ट्रिंग अलग, C5 की स्ट्रिंग अलग, A3 की स्ट्रिंग अलग, इस सब खाते से बचने के लिए जावा ने एक प्री डिफाइंड हमें मेथड दिया हुआ स्ट्रिंग बिल्डर, सारा कुछ वही करेंगे हम, बस यहाँ स्ट्रिंग बनाने के बजाय स्ट्रिंग बिल्डर की डेटा टाइप से बनाएंगे कि वेरिएबल कंप्रेस के नाम से, और बस इस कंप्रेस वेरिएबल में अपेंड करते रहेंगे। तो ये जो सारा हमें O of n स्क्वायर में करना पड़ा था काम, सॉरी K स्क्वायर में हो रहा था, ये जो स्ट्रिंग कंकैटनेशन है ये सारी कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, जो जावा जो डेवलपर्स उन्होंने देखा था कि ये जो कंकैटनेशन है ये O of n स्क्वायर में हो रही होती है, तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेथड हमें दे दिया स्ट्रिंग बिल्डर, तो ये जो सारी कम्प्लेक्सिटी है
जो के स्क्वायर है, ये हमारी कम हो जाएगी, बाकी लॉजिक सारी सेम है, बस इसमें एक ही स्ट्रिंग बनेगा उसी में अपेंड होती रहेंगी चीजें, एज अपोज टू के पिछले एग्जाम्पल में जिस तरह ए टू अलग स्ट्रिंग बना, बी वन अलग स्ट्रिंग बना, सी फाइव अलग, ए थ्री अलग, और फिर इन चारों को अपेंड करके पांचवा स्ट्रिंग बना, इसने ज्यादा मेमोरी भी खाई और हमारी कम्प्लेक्सिटी भी के स्क्वायर कर दी। यहाँ होगा एक ही स्ट्रिंग बनेगा सिर्फ कंप्रेस के नाम से, और उसी में सारी चीजें अपेंड होती रहेंगी रिपीटेडली, बस इसमें वो डिफरेंस है, बाकी सारी लॉजिक तो कुछ सेम ही है। जी सर, ऑल ये क्लियर राइट। है हमने? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, इसमें उसने ये दूसरा तीसरा सोल्यूशन उसने बताया, इन दोनों सोल्यूशन में तो हम ये कर रहे हैं कि पहले कंप्रेस स्ट्रिंग बना रहे जो हमारा अपना स्ट्रिंग है मॉडिफाइड, जब वो बन जाए तो फिर हम उसको चेक करें ओरिजिनल स्ट्रिंग से कि अगर इसकी लेंथ, सर लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 में ये हो रहा है टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स स्टेटमेंट जिस तरह नहीं होती उसमें ये है कि ये कंडीशन है हमारी, जो हमारा स्ट्रिंग बना है कंप्रेस्ड उसकी लेंथ अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग से कम है, कि उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ था ये, एक सेकंड, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था कि इफ द कंप्रेस्ड स्ट्रिंग वुड नॉट बिकम स्मॉलर देन द ओरिजिनल स्ट्रिंग योर मेथड शुड रिटर्न द ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारा जो कंप्रेस्ड स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ओरिजिनल से कम होती है तभी हमें सिर्फ वो रिटर्न करना है, वरना ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। तो इस केस में ये हो रहा है कि कंडीशन में जो हमने स्ट्रिंग बनाया उसकी लेंथ अगर ओरिजिनल से कम है तो क्वेश्चन का मार्क मतलब है ट्रू, इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारे वाले की लेंथ कम है तो हम वो रिटर्न कर देंगे, एल्स कोलन के बाद आ जाएगी फॉल्स, एल्स हम रिटर्न कर देंगे ये वाला स्ट्रिंग। एसेंशियली हम इफ एल्स से भी राइट कर सकते थे लेकिन उन्होंने लाइंस बचाने के लिए एक ही उसमें लिख दिया, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये क्लियर हुआ मैम? ओके ठीक, तो इन दोनों सॉल्यूशंस में यही है कि हम पहले ये अपना स्ट्रिंग बना दें फिर उसकी लेंथ कंपेयर करें ओरिजिनल से और फिर जो उसमें से छोटा है वो रिटर्न करें, लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम स्ट्रिंग बनाने से पहले इंस्टेड वी कैन चेक इन एडवांस, जिसमें जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग कैरेक्टर्स हो ना हो पर हम इसमें इट विल अवॉइड अस हैविंग टू क्रिएट अ स्ट्रिंग दैट वी नेवर यूज, तो इसमें ये होगा कि हमें एसेंशियली स्ट्रिंग बनाने से पहले हम चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं उसकी लेंथ के ओरिजिनल से कम आती है, तो इसमें थोड़ी मेमोरी हमारी बच जाएगी, लेकिन इसका डाउन साइड ये होगा कि एक सेकेंड लूप होगा जो पूरे कैरेक्टर्स में से इटरेट करेगा और नियरली डुप्लीकेटेड को बना देगा, इसको मैं इटरेट करता हूँ। ओके, इसको मैं इटरेट करूँगा, ए टू बी वन सी फाइव एन ए थ्री, ये है हमारा, ये इनपुट थी ए टू बी वन, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, इसमें है कि पहले हम लेंथ चेक कर लेते हैं, चेक फाइनल लेंथ एंड रिटर्न इनपुट स्ट्रिंग इफ इट वुड बी लॉकर, इन फाइनल लेंथ ये हम मेन मेथड में काम कर रहे हैं, ये हम मेथड बनाएंगे काउंट कंप्रेशन का, उसको स्ट्रिंग पास करेंगे, अगर फाइनल लेंथ जो है वो ग्रेटर होगी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ से, मतलब हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे हाइपोथेटिकली उसकी लेंथ अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग से बड़ी है फिर तो हमारे स्ट्रिंग का फायदा ही नहीं, फिर तो ओरिजिनल रिटर्न कर देंगे। अगर हम नीचे जाएं तो स्ट्रिंग बिल्डर डेटा टाइप का उसने बनाया वेरिएबल कंप्रेस्ड, ओके काउंट कंसेक्यूटिव जीरो, ये तो सारा पिछले वाले ही काम हो रहे हैं, यहाँ है काउंट कंप्रेशन, हमने उसकी, एक सेकेंड, हमने उसकी लेंथ काउंट करनी है, अब इसकी मैं अगर लेंथ काउंट करूँ कंप्रेस्ड लेंथ इज इक्वल टू जीरो काउंट कंसेक्यूटिव इज इक्वल जीरो, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, ये सी सी से मैं काउंट कंसेक्यूटिव रिप्रेजेंट करता हूँ सी सी, तो पहले इस इंडेक्स पे होगा वो हो जाएगी वन, चलने से पहले भी वो इंक्रीमेंट एक दफा इसलिए करते हैं क्योंकि मिनिमम वन कैरेक्टर तो होगा, अगर अगला डिफरेंट है देन इंक्रीज द लेंथ, तो इस केस में तो ये वाला हिस्सा नहीं चलेगा, फिर वो इस इंडेक्स पे आ जाएगा इंक्रीमेंट बाय वन, ये टू हो जाएगा, अब वो करेगा इसको इससे कंपेयर, वो कहेगा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो कंप्रेस्ड लेंथ है हमारी सी एल
इज इक्वल टू 1 प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंट कंसेक्यूटिव डॉट लेंथ। इसकी जो लेंथ है काउंट कंसेक्यूटिव, ये भी है 1 1 और प्लस 1 तो 2। इसको अगर मैं, ये आपको भी क्लियर भी हो जाएगा, A2 P1 C5। इस पर सोल्यूशन की डिफरेंस है कि हम पहले ये स्ट्रिंग बनाने से पहले कि हमें एक्स्ट्रा मेमोरी हो, हम इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि इसकी लेंथ इससे कम आती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं क्रिएट करते हैं। इसको अगर हम देखते हैं फिर से, तो अब हम आ गए इस इंडेक्स पे, जो काउंट कंसेक्यूटिव है वो पहले 0 हो गई थी, अब वापस हो जाएगी 1। ये कंडीशन एक्सिक्यूट हो जाएगी क्योंकि बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। तो कंप्रेस लेंथ पे करेगा वो, प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ काउंट कंसेक्यूटिव डॉट लेंथ। इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1 की वैल्यू, मतलब इसकी लेंथ जो है वो भी 1 है, तो ये काउंट कंसेक्यूटिव कंप्रेस लेंथ 4 आ जाएगी। 4 के बाद इसी तरह सी पे इटरेट करेगा, यहाँ होगी 1 2 3 4 5। इस केस पे आके ब्रेक करेगा, इसको अगले से कंपेयर किया, उसने किया कंप्रेस्ड लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू। अब यहाँ कंफ्यूजिंग होता है, 1 प्लस इस स्ट्रिंग की जो कंप्रेस में उसने स्टोर की है, ये स्ट्रिंग में स्टोर की है उसने वैल्यू, इसकी लेंथ क्या है? अब ये तो हमें नजर आ रहा है डेटा टाइप 5, इसकी लेंथ जो है 1 है, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 6। और फिर आखिर में इस केस में भी यही होगा, ये चलेगा 1 2 3, तो वो करेगा 1 प्लस इस स्ट्रिंग में स्टोर होगा 3, तो उसकी लेंथ क्या बनती है 1 1 प्लस 1 8। इसमें एसेंशियली हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम देखें जो कंप्रेस लेंथ आई है हमारे पास वो 8 है, इसकी अगर हम लेंथ देखें वो भी 8 बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें फिर हम पहले ये कर रहे हैं कंप्रेस्ड लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और फाइनल अगर जो कंप्रेस्ड लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ से बड़ी आ जाती है तो फिर हम ऑटोमेटिकली ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। इसमें बस हम ये कर रहे हैं कि नई स्ट्रिंग बनाने से पहले ना उसकी हम लेंथ खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस तरह हमने ये स्ट्रिंग अभी क्रिएट नहीं की A2B1C5A3, लेकिन हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली है 8। तो ये हुआ, किसी इसमें क्या किसी को कंफ्यूजन है कोई? आप चैट में पूछ सकते हैं अगर आपको माइक अनम्यूट करने में प्रॉब्लम है। क्लियर है किसी को? अगर नहीं हो तो हम कर सकते हैं फिर से रिपीट, या आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, क्लियर है। ठीक है। और हम इसमें ये कर रहे हैं फिर कि अगर जिस तरह ये हमारी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ हमने पहले कैलकुलेट कर ली, वो 8 है, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमारा है उससे तो कम है, तो इसमें हमें ये फायदा है, स्ट्रिंग बिल्डर जो हम बनाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप कंप्रेस के नाम से, उसकी हम लेंथ पहले से डिफाइन कर सकते हैं, हम बिफोर है इसकी लेंथ डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें मतलब ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रिंग हम बनाएंगे उसकी लेंथ 8 होगी, तो हम वो यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं फाइनल लेंथ। यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया है कि वन अदर बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज दैट यू कैन इनिशियलाइज स्ट्रिंग बिल्डर टू इट्स नेसेसरी कैपेसिटी अप फ्रंट। वरना ये होगा कि बिहाइंड द स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो डबल करता है, मतलब कैपेसिटी में वो डबल इस तरह करता है कि जिस तरह एरे है 3 इंडेक्स की, 1 0 तो 0 1 2, तो यहां मैं कोई एलिमेंट डाल देता हूँ ए, फिर यहाँ कोई एलिमेंट डाल देता हूँ बी, फिर यहाँ कोई एलिमेंट डाल देता हूँ सी। ये है स्ट्रिंग बिल्डर में ना रिसाइजेबल एरेज होती है, हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं कहता हूँ मैंने डी को जानना कहीं, तो वो तो यहाँ कहीं नहीं डलेगा, तो वो करता है इसका ना साइज डबल कर देता है, तो अब हो जाएगा इस तरह होता है 1 2 3 4 5 एंड देन 6। पहले 3 कैरेक्टर से उसने वैसे कॉपी कर लिए ए, ये सारा स्ट्रिंग बिल्डर जो है ना ये इम्प्लिसिट काम होता है मेमोरी में, और फिर ये डी तो 0
1 2 एंड देन 3। तो इस केस में ये जो हमारे पास दो स्लॉट्स हैं इनका तो कोई फायदा नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमने सिर्फ स्टोर करने थे 4 कैरेक्टर्स, लेकिन उसने एरे जो बना दी वो 6 साइज की बना दी। तो इसमें हमें यही फायदा हो रहा है कि हम उसकी नेसेसरी कैपेसिटी से पहले इनिशियलाइज कर देते हैं। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें पहले से पता है, तो हम यहाँ अगर हम देखें स्ट्रिंग बिल्डर कंप्रेस्ड, स्ट्रिंग बिल्डर डेटा टाइप का बनाया हमने कंप्रेस्ड वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये हमने जावा की नोटेशन होती है, मतलब एसेंशियली डिक्लेरेशन होगी। साथ में फाइनल लेंथ, हमने पहले से उसको लेंथ से इनिशियलाइज कर दिया ताकि ये वाला काम ना करना पड़े हमें, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट स्टोर करें तो बिहाइंड द सीन वो डबल किए जा रहे हैं। ये इसकी एक फायदा होगा हमें मेमोरी में। तो ये क्लियर हुआ? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो। एंड सर, इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तो फिर कम होगी ना, जी, कम हो जाएगी जिसका हमारी, जी। इसीलिए हमने एक ये सोल्यूशन ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, क्योंकि सबसे जो बुरा केस था वो OP जिसने था ये। मीन्स के ओ ऑफ एन स्क्वायर जो फर्स्ट वाला था। ये OP+ के स्क्वायर, तो हमने के स्क्वायर को रिड्यूस करने के लिए किया सारा काम। जी। ठीक है, तो चले अब 15 मिनट रहते हैं, मैं फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन का फिर ब्रीफ सॉल्व दे देता हूँ। भाई 1.7 और ये 1.8 थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इस लेवल पे, तो मैं इसलिए भी स्किप कर रहा हूँ 1.7। उसके बाद हम ये करते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन है पिछले वाले में से तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है टाइम तो हम कर सकते हैं डिस्कस, वरना फिर हम इस वाले पे आ जाते हैं। 1.9 स्ट्रिंग रोटेशन। Assume you have a method is substring which checks if one word is a substring of another. Substring का मतलब है जैसे LITE, तो अगर मेरे पास हो T और E तो वो है इसका सबस्ट्रिंग। अगर मेरे पास हो सिर्फ एल और ई तो एल भी इस एरे में है और ई भी है, लेकिन जो ये है ये सबस्ट्रिंग नहीं होगा। सबस्ट्रिंग में जरूरी होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी ऑर्डर में हैं, या बिलफर्ज अगर मेरे पास होता है ई टी तो ये भी सबस्ट्रिंग में होता। सबस्ट्रिंग में जरूरी होता है वो सबसेट हो ओरिजिनल ओरिजिनल इनपुट हमारी स्ट्रिंग का, और इसमें ऑर्डर मेंटेन्ड हो, मतलब जिस तरह इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं है, टी ई को उसने ई टी किया भाई ये भी नहीं होगी। सिमिलरली इसमें कैरेक्टर्स तो सेम है एल और ई, एल एंड देन ई, लेकिन इसमें ये होगा कि ऑर्डर मेंटेन नहीं है कि, तो ये भी सबस्ट्रिंग होगी, मतलब एल और ई असल में उनके बीच में आई और टी भी आते हैं, तो लेकिन जो टी एंड ई है ये आपस में सबस्ट्रिंग है। सबस्ट्रिंग के लिए ही दो कंडीशन है कि वो सबसेट हो, फिर उसमें ऑर्डर मेंटेन्ड हो, जिस तरह यहाँ ऑर्डर हमारा रिवर्स हो गया ना हो और वो उसी ऑर्डर में, तो ये दो कंडीशन होती हैं। तो यहाँ हमें करना है assume you have a method is substring which checks if one word is a substring of another. ये हमारे पास प्री बिल्ट मेथड्स होते हैं लैंग्वेजेस में जो ये चेक कर लेते हैं, जिस तरह मैं कोड अगर आपको दिखाऊं तो ये जैसे प्री डिफाइंड मेथड है लैंग्वेज में जो चेक कर लेते हैं कि पहले जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कंटेंट है दूसरा स्ट्रिंग, मतलब सब स्ट्रिंग्स हैं ये तो आपस में नहीं। तो उन्होंने हमें कहा है कि assume ये हमें मेथड दिया हुआ होगा इस सब स्ट्रिंग विच चेक्स इफ वन वर्ड इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ अनदर। ये सब स्ट्रिंग की डेफिनेशन अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो बता दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, तो अब हमें ये है कि इस सब स्ट्रिंग का मेथड हमारे पास डिफाइंड है, हमने एक कॉल के थ्रू चेक करने गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 राइट कोड टू चेक इफ S2 इज अ रोटेशन ऑफ S1 यूजिंग ओनली वन कॉल टू इस सबस्ट्रिंग। अब हमने रोटेशन की डेफिनेशन देखनी है। वाटर बॉटल इज अ रोटेशन ऑफ अवर बॉटल। इफ वी इमेजिन दैट S2 ये जो है हमारा इज अ रोटेशन ऑफ S1, देन वी कैन आस्क व्हाट रोटेशन व्हाट द रोटेशन पॉइंट इज। फॉर एग्जांपल इफ यू रोटेट वाटर बॉटल आफ्टर व्हाट, इस तरह अवर बॉटल व्हाट रोटेशन ये होता है कि हम किसी दो पार्ट्स में कट कर देते हैं, ये पहला पार्ट है ये है दूसरा पार्ट डब्ल्यू आई टी,
तो रोटेशन ये होता है कि हम पार्ट्स में दो कट कर दिया, जिससे ये एक्स है और ये वाई है। तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, वाई पहले आ गया फिर एक्स। वाई हमारा क्या था, ER से लेके बॉटल तक, और बॉटल दिस वाज वाई। तो एक्स हमारा क्या होगा, WAT, वॉट। तो ये एक्स। तो रोटेशन में ये होता है कि जो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर पार्ट्स रीअरेंज हो जाते हैं। तो हमने इस तरह कोड लिखने के, हमारे पास इस मेथड को सिर्फ एक कॉल जाए और फिर वो वेरीफाई करे कि ये दोनों सब स्ट्रिंग्स हैं एक दूसरे के, नहीं मतलब इट चेक्स इफ वन वर्ड इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ अनदर। तो हमने देखने के S1 एंड S2, हमने देखने के S2 जो है वो रोटेशन है S1 की। और ये एक तो आसान तरीका था कि हम रिपीटेडली कॉल करते रहे मेथड को, लेकिन यहाँ सिर्फ हम एक कॉल कर सकते हैं। तो हमें ये मेथड दिया होगा, हमें देखना है कि किन पार्ट्स को मतलब रीअरेंज करके हमें ये दोनों आपस में कोई दो पार्ट्स होंगे उनको रीअरेंज कर किया हो। जिस तरह यहाँ देखें, हम वी कट S1 इनटू टू पार्ट्स X एंड Y एंड रीअरेंज देम टू गेट S2। तो S1 है हमारा X और Y, ये जो मैंने एनोटेट किया था। X हमारा आ गया WAT, Y आ गया ER से लेके बॉटल तक। तो S2 उन्होंने कर दिया, Y को पहले लिख दिया, X को बाद में लिख दिया। तो रोटेशन में ये होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया इनपुट स्ट्रिंग को और फिर उनकी आपस में चेंज कर दिया। तो हमने देखना है कि वी नीड टू चेक इफ देयर इज अ वे टू स्प्लिट S1 इनटू XY सच दैट XY इज इक्वल टू S1। मतलब जो पहली रोटेशन है वो S1 की इक्वल हो और जो दूसरी रोटेशन है वो S2 के इक्वल हो। अच्छा, यहां तक किसी को रोटेशन की डेफिनेशन क्लियर ना होगी जो यहाँ हमने किया सारा। सर, ये हमें बताया होगा कि हमें इतने एलिमेंट तक यानी कि रोटेशन करनी है। जिस तरह हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट को रोटेट किया और यानी कि उसको लास्ट में करके और जो बाकी वाला था पार्ट उसको। जी सर, हाँ जी जी भाई, ये मैं बताया बोलूँ, यही हमने फाइंड करना है। मतलब हमें ये दिया हुआ होगा और हमने यही फाइंड करना है कि दोनों रोटेशंस हैं आपस में या नहीं। तो यही हमारा कोड, मतलब बेसिकली हमने ये खुद डिटरमिन करना है ये दोनों स्ट्रिंग आपस में रोटेशंस हैं एक दूसरे की या नहीं है। तो ये तो हमने खुद पता लगाया कि ये एक्स है और ये वाई है, लेकिन हमें बताया बोलूँ। सर ये जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हमारे पास ईजी के बाद और ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो यही हमारे पास S1 और S2 हैं। ये जी, दोनों ये हमें एस वन और क्वेश्चन एस टू में दी होंगी। मेथड में हमें दिया हुआ होगा S1 वाटर बॉटल, S2 दिया हुआ होगा अर बॉटल बॉट एग्जाम्पल में। तो हमने मेथड में ये दोनों स्ट्रिंग इनपुट लेनी है और डिटरमिन करना है क्या ये एक दूसरे के रोटेशन हैं या नहीं, ये हमने खुद डिटरमिन करना है। ठीक, जी सर, वी कैन सी दैट वाई एक्स विल ऑलवेज बी अ सबस्ट्रिंग ऑफ एक्स वाई। हम इसेंशियली इसमें करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग को डबल कर देते हैं पर उसमें चेक करते हैं। बूलियन डेटा टाइप की मेथड है इज रोटेशन इंट लेंथ इज इक्वल टू S1। अच्छा, हमने पहले ये चेक करने के, चेक दैट S1 एंड S2 आर इक्वल लेंथ, क्योंकि रोटेशन होने के लिए लाजमी है कि दोनों की लेंथ इक्वल हो। वो तो ऑब्वियसली एक इम्प्लिसिट चीज है कि अगर लेंथ इक्वल ना हो तो हम उसी को फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं एंड नॉट एम्प्टी। हमने इनके भी चेक करने के एम्प्टी ना हो, मतलब इस तरह हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स उनके उनमें कोई वैल्यू ही ना हो, जिससे ये तो इनकी लेंथ तो इक्वल आ जाएगी। सो ये स्ट्रिंग है और फिर ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो दोनों की लेंथ तो इक्वल आ जाएगी लेकिन इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स नहीं कंपेयर करने के लिए। तो हमने पहला चेक किया वो लेंथ के लिए, कि लेंथ इक्वल है या नहीं। ये लेंथ वेरिएबल S1 का है, तो फिर S1 की लेंथ और S2 की लेंथ इक्वल है और एंड सॉरी एंड इन दोनों में एलिमेंट्स हैं, मतलब इनकी जो अपनी लेंथ है ये जीरो ना हो, जिस तरह ये इनकी लेंथ जीरो है एंड लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो। एक स्ट्रिंग बनाया, कंकैटिनेट S1 एंड S1 विद ए न्यू बफर। इसमें ये करेंगे, इनपुट जो पहला स्ट्रिंग है ना उसको आपस में कंकैटिनेट कर देंगे और फिर दूसरा स्ट्रिंग उसमें सर्च करेंगे। इस तरह का मैं यहाँ हमारे इनपुट में दिया हुआ है, वाटर बॉटल। ये S1 है हमारा, फिर से हमने ये कंकैटिनेट कर देना, वाटर बॉटल।
हमें पता है कि जो भी S2 होगा वो किसी भी केस में इसका तो सबसेट ही होगा ना, इसका तो सबस्ट्रेट होगा, वाटर बॉटल ये, और हमारे पास जो दूसरा है एयर बॉटल वॉल, वो अगर मैं इसमें सर्च करूं क्या एयर बॉटल वॉल इसका सबस्ट्रिंग है, तो यहां से मैं पता लग जाता है कि यहाँ ये है इसका सबस्ट्रिंग, यहां से इसलिए नहीं होगा क्योंकि एयर बॉटल यहाँ आ जाता लेकिन वॉट नहीं आता, तो हम इसेंशियली यहाँ ये कर रहे हैं, ये तो हमने वो लेंथ के चेक्स लगा दिए, स्ट्रिंग S1, S1 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया, ये जो मैंने यहाँ स्ट्रिंग बनाया है, फिर उसने हमें बताया था कि आपको मेथड दिया हुआ होगा, ये मेथड प्री डिफाइंड होता है, उसमें हम जो पहला स्ट्रिंग पास करते हैं दो स्ट्रिंग्स पास करते हैं, तो चेक करते हैं क्या दूसरा स्ट्रिंग पहले का सब स्ट्रिंग है या नहीं, दूसरा स्ट्रिंग होगा जो उसने हमें दिया हुआ है अर बॉटल एंड देन वॉट, तो इससे हमें पता लग जाएगा ये रोटेशंस हैं आपस में, वो चेक करेगा ये दूसरा स्ट्रिंग S2 क्या ये पहले का सब स्ट्रिंग है, मतलब सब स्ट्रिंग होने के लिए लाजमी है कि ऑर्डर मेंटेन्ड हो, ऑर्डर मेंटेन्ड है और सबसेट है मतलब इसकी लेंथ इससे कम है, तो वो चेक करेगा अगर ये ट्रू होगा तो रिटर्न कर देगा यही सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, द रन टाइम ऑफ दिस वेरीज ऑन द बेस बेस्ड ऑन द रन टाइम ऑफ इस सब स्ट्रिंग, जैसे इस सब स्ट्रिंग जो है हमारा प्री डिफाइंड मेथड है, तो इस फोर की जो कम्प्लेक्सिटी है वो उस जो प्री डिफाइंड मेथड की कम्प्लेक्सिटी है उसके थ्रू वेरी करती है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि जो इस सब स्ट्रिंग मेथड की कम्प्लेक्सिटी है वो A+B है, A+B कैसे कि ए ये पूरा स्ट्रिंग इस पे पहले इटरेट करेगा वो, फिर इसमें इटरेट करके वो चेक करेगा क्या इस स्ट्रिंग में वाटर बॉटल में ये S2 एग्जिस्ट करता है नहीं, तो OA पहला स्ट्रिंग जो इनपुट मिलता है उसको बड़े वाला और दूसरा स्ट्रिंग छोटे वाला ऑन स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ए एंड बी, तो इस सब को हम इसकी कम्प्लेक्सिटी O ऑफ A+B कर दें तो जो पूरा कोड होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारे पास, देन द रन टाइम ऑफ इस रोटेशन इज O(n), इस O(n) इसलिए क्योंकि हमें पूरे उस स्ट्रिंग की जो हमें इनपुट में मिला है उस पे करना पड़ेगा कम से कम एक दफा इटरेट, इटरेट एक दफा इसलिए करना पड़ेगा हम पूरे पे इटरेट करते हैं हम और फिर उसी को अपेंड कर देते हैं, जैसे हम इस पूरे पे इटरेट किया मैंने एंड तक जब पहुंच गया मैंने वापस यहाँ अपेंड कर दिया, तो ये लॉजिक अगर किसी को क्लियर ना हुई हो क्लियर है सब, अगर आप क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ ले सकते हैं, माइक अनम्यूट कर लें, हाँ जी सर, क्लियर है। और किसी को भी क्लियर ना हो ओके, Line 6 or 7 ओके, Line 6 में हो रहा है स्ट्रिंग हमने बनाया उसका नाम रख दिया S1 S1 ऐसा कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, उसमें किया जो हमें पहला स्ट्रिंग मिले ना वाटर बॉटल S1+S1 मतलब आपस में अपेंड कर दिया, ये था हमारा S1 वाटर बॉटल, इसी को हमने आपस में से अपेंड कर दिया S1+S1, फिर हमने किया 6 और 7 रिटर्न इस सबस्ट्रिंग, मतलब अगर ये बूलियन में रिटर्न करेगा तो अगर ये जो दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग है ये इसका सब स्ट्रिंग होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि तो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है बूलियन फॉर्म में और यहाँ हम एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग को जो पहला स्ट्रिंग है उसको आपस में कंकैटनेट करके आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ देखें तो जो S1 था हमारा वो था S1 वाटर बॉटल था, तो हमने S1 को आपस में दो दफा कंकैटनेट किया जो इस लाइन में हो रहा है, और फिर हमने जो प्री डिफाइंड मेथड है इस सब स्ट्रिंग जिसका उन्होंने कहा हुआ था कि आप यूजिंग ओनली वन कॉल, तो यहाँ हम उस मेथड को कॉल कर रहे हैं और बूलियन फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं, मतलब अगर ये स्ट्रिंग्स आपस में सब स्ट्रिंग है S2 इज इफ S2 इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग तो बट देन रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, तो इसमें ये हो गया, तो ये क्लियर हो आपको मैम, क्वेश्चन तो अभी 3 मिनट है हम आप पूछ सकती फिर से चैट में, नहीं तो फिर हम सेशन जनरेट कर देते हैं।
सर इससे रोटेशन का कैसे पता चल रहा है? इससे रोटेशन का इस तरह पता चल रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ वेयर द डिविजन बिटवीन एक्स एंड वाई इज, हमें ये पता है कि जहां भी मर्जी भी डिविजन हो, जिस मर्जी केस में हो, वो हमेशा सबसेट होगी. वी कैन सी दैट वाई एक्स, जो एक्स वाई की रोटेशन है, विल ऑलवेज बी अ सबस्ट्रिंग ऑफ एक्स वाई एक्स वाई. तो किसी भी केस में वो सबस्ट्रिंग होगी. इसमें रोटेशन का इस तरह पता लग रहा है कि अर बॉटल वॉट और वाटर बॉटल आपस में रोटेशन है या नहीं. हमने चेक किया कि ये क्या इसका सबस्ट्रिंग है तो इसका मतलब ये आपस में दोनों रोटेशन है. रोटेशन ये होगा कि किसी भी केस में वाई एक्स जो हमारी रोटेशन होगी, एक्स वाई है और एक्स वाई की रोटेशन वाई एक्स, वो हमेशा सब स्ट्रिंग होगी. हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको अगर हम आपस में दो दफा कंकैटनेट करें, विल ऑलवेज बी अ सब स्ट्रिंग ऑफ एक्स वाई एक्स वाई. इसीलिए हम दो दफा कंकैटनेट करते हैं, उसमें अगर हमें कहीं भी नजर आ जाए ना वो ये वाली वैल्यू, तो हमें पता है कि ये रोटेशन है आपस में, वरना नहीं है. तो ये चले अच्छा 9:59 हो गया, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो स्लैक चैनल पूछ सकते हैं, अगर किसी को बहाना क्लियर हो तो आप अगले सेशन में भी पूछ सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चन रिपीट कर देंगे. चलिए फिर, थैंक यू. यस सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.